मणिपुर के उखरौल कस्बे में गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में लूट की बड़ी घटना घटित हुई। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उखरौल में स्थित पीएनबी की ब्रांच में अज्ञात हथियारबंद डकैतों ने डाका डाला और लगभग 19 करोड़ रुपए लूट लिए। पुलिस ने प्रत्यक्ष दर्शियों के हवाले से बताया कि 8 से 10 हथियारबंद लोगों ने दोपहर बाद उखरौल शहर के व्यू लैंड 1 में स्थित पीएनबी बैंक की ब्रांच में धावा बोल दिया। उन्होंने कहा कि जब बैंक पर बदमाशों ने धावा बोला उस समय कर्मचारी दिन भर के लेन देन के बाद पैसे गिन रहे थे। पुलिस के मुताबिक हथियारबंद बदमाश पैसे गिनते कर्मचारियों तक पहुंचे और 19 करोड़ रुपए लूट लिए। कथित तौर पर अज्ञात नकाबपोश लोगों के पास अत्याधुनिक हथियार थे और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों और पीएनबी शाखा के कर्मचारियों पर कब्जा कर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, सुरक्षा कर्मियों और बैंक कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर रस्सियों से बांध दिया गया और नकदी लेकर हथियारबंद लोगों ने स्टोर रूम के अंदर बंद कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंच गए और बैंक प्राधिकरण को इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक में इतनी बड़ी लूट के बारे में पता चलने से ही इलाके में हड़कंप मच गया। इस दुस्साहिक वारदात के बाद सुरक्षा बलों ने लुटेरों को पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाया। बता दें, 7 महीने पहले मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा के बाद उखरौल कस्बे में पहली बार इतनी बड़ी लूट की घटना घटित हुई है। इससे पहले जुलाई में चूरा चांदपुर में एक्सिस बैंक की एक शाखा में सशस्त्र गिरोह ने 1 करोड़ रुपए की लूट की थी। बता दें कि मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष के चलते मणिपुर इस साल लंबे समय तक अशांत रहा था।